हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स जिनके सरफेस पे होते थे वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते थे, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या स्ट्राइड सिंथेसाइज करते थे। तो जो ये प्रोटीन बना या लिपिड बना, इनको अभी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ये सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन करना है या सेल मेम्ब्रेन में इनको इनकॉर्पोरेट करना है तो किसी एक ऑर्गेनेल के थ्रू ये सिक्रीशन होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन होगा। उस स्पेशल ऑर्गेनल्स को हम कहते हैं गॉल्जी बॉडी। एक तरह से इसको हम सिक्रेटरी ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन है, लिपिड है, अदर जो मटेरियल है, उसको ये सेल के बाहर सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये गॉल्जी बॉडी है। कैसे है ये अरेंज, किस तरीके से है? इसमें 3 to 20 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं। क्या होते हैं ये? 3 to 20 होते हैं ये मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। इन फ्लैटेंड सैक को ही हम कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कहते हैं, और इस तरह कहते हैं, तीन तरह से सिस्टर्नी को हमने नाम दे दिया है। जो एंट्री पॉइंट पे है, यानी जो प्रोटीन यहाँ से आएगा तो इंटर करेगा जिस पॉइंट से, तो इस एंट्री को हम सिस फेज भी कहते हैं। एंट्री पॉइंट या सिस फेस कहेंगे। और ये सिस फेस सिस्टर्नी किधर की तरफ होगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। इनका जो फेस होगा, सिस फेस होगा, वो किधर होगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। दूसरा जो है फेस है, एग्जिट फेस है, एग्जिट या ट्रांस फेस। यहाँ की जो सिस्टर्नी है वो किधर के तरफ मूवमेंट करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ इनका फेस होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस होगा, जो वो ट्रांस फेस होता है और एग्जिट फेस कह सकते हैं। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस है उसको हम एंट्री या सिस फेस कहते हैं। ठीक है, और जो मिडिल में होंगे उनको हम मीडियल सिस्टर्नी कहते हैं। तो सिस फेस सिस्टर्नी, मीडियल फेस सिस्टर्नी और ट्रांस फेस सिस्टर्नी, इस तरीके से ये अरेंज्ड हैं जैसे कि स्टैक ऑफ सॉसर। दे आर अरेंज्ड लाइक ए स्टैक ऑफ सॉसर। जो प्लेट्स होती हैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखते चले गए, तो वैसा है ये। ठीक है, तो कॉन्वेक्स फेस और कॉनकेव फेस दिख रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये जो फ्लैटेंस है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, इनका काम क्या है? तो आप ये देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन होते हैं जहाँ पे प्रोटीन, ल्यूमेंस में प्रोटीन आ गए, राइबोसोम सरफेस पे होते हैं और उन्होंने प्रोटीन बनाया। प्रोटीन कहाँ हो गए? ल्यूमेन में। अब वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट वेसिकल की तरह से ब्रेक ऑफ हो रहे हैं। इन्हीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एजेस से, साइड से कुछ मेम्ब्रेन सैक ये ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं, इन्हीं वेसिकल्स को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। इनमें ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में क्या है भाई? प्रोटीन है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर ब्रेक ऑफ हो रहा है मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब ये प्रोटीन आ रहा है। अब ये प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू आ रहा है, वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल सिस फेज यानी एंट्री फेज की तरफ जो सिस्टर्नी है उसके साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? देखिए, ये इस तरीके से फ्यूज्ड हो जाते हैं, और जो अपना मटेरियल है यानी जो प्रोटीन है वो ल्यूमेन में रिलीज कर देते हैं, सिस्टर्नी के ल्यूमेन में रिलीज कर देते हैं। अब ये ल्यूमेन में आने के बाद, अब यहाँ पे पूरे सिस्टर्नी में क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करेंगे, सॉर्ट करेंगे और पैकेजिंग करेंगे। तो गॉल्जी बॉडी का काम क्या है भाई? मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड रिलीजिंग, ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो ल्यूमेन में प्रोटीन आ गए, अब ये प्रोटीन मॉडिफाई होना शुरू करेंगे। जैसे जैसे मूवमेंट आगे तरफ बढ़ता जाएगा ये मॉडिफाई होते जाएंगे। यानी कि अगर इस प्रोटीन के साथ ग्लाइकोजन वाला पार्ट जोड़ दिया इन्होंने, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएंगे। अगर लिपिड कंबाइन कर दिया इस प्रोटीन के साथ, तो लाइपोप्रोटीन बन जाएंगे। और अगर इसके साथ लिपिड जोड़ दिया, लाइपोप्रोटीन हो जाएंगे, और ग्लाइकोजन जो है तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इन्हीं सिस्टर्नी के अंदर हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है।
तो जैसे जैसे मूव करते जाएंगे इनका मॉडिफिकेशन प्रोसेसिंग होती जाएगी प्रोटीन की, ठीक है। अब क्या करना है जिसे, तो इधर से ये मूव कर रहे हैं, अब यहाँ से जो एजेस से ये मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है गॉल्जी बॉडी का सिस्टर्नी का जो एजेस है ये देखिए थोड़ा सा राउंडेड हो जा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि ब्रेक ऑफ होने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से टूटेंगे। अब यहाँ से ये वेसिकल्स के फॉर्म में ये ब्रेक ऑफ होंगे, वेसिकल्स के फॉर्म में, तो कुछ ब्रेक ऑफ होंगे एज ए ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। कुछ ब्रेक ऑफ होंगे जिनको कहेंगे मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का काम क्या है भाई, ट्रांसपोर्ट वेसिकल में ऐसे प्रोसेस्ड प्रोटीन होते हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भेजना होता है, यानी ईसीएफ में रिलीज करना, यानी सेल के बाहर इनका यूटिलाइजेशन होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो प्रोसेस प्रोटीन कंटेनिंग है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज्ड हो जाते हैं। इनकी मेम्ब्रेन यानी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वो फ्यूजन हो जाता है, फ्यूज होने की वजह से उसके बाद जो अपना मटेरियल है वो बाहर रिलीज कर देते हैं, यानी ईसीएफ में रिलीज कर देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज कर देते हैं। अच्छा, कुछ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं वो अलग प्रोसेस्ड प्रोटीन लेके घूम रहे हैं, तो वो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल प्रोटीन है, जो पेरिफेरल प्रोटीन है, वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। कभी एक्सोसाइटोसिस में या इंडोसाइटोसिस की वजह से कुछ प्रोटीन का लॉस हुआ होगा, मेम्ब्रेन का लॉस हुआ होगा, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कुछ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मर्ज होकर लाइसोसोम बना लेते हैं, और वो लाइसोसोम में स्पेशल टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो अगला जो कंटिन्यू करते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम भी एक तरह का वेसिकल ही है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट, कई ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मर्ज होकर वो लाइसोसोम बनाते हैं। लाइसोसोम आए कहाँ से, लाइसोसोम भी ये गॉल्जी बॉडी के ही पार्ट है, यानी गॉल्जी बॉडी से जैसे ये वेसिकल ब्रेक ऑफ हुआ है वैसे कई ब्रेक ऑफ होकर वो मर्ज होकर लाइसोसोम बनाए, यानी कि इनका पेरेंट कौन है, गॉल्जी बॉडी। इनका फॉर्मेशन लाइसोसोम्स का कहाँ से हो रहा है, गॉल्जी बॉडी से, ठीक है। तो लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम और बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो सारे एंजाइम्स ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बने हैं, लेकिन बस यहाँ पे आकर ये थोड़े से मॉडिफाई और पैकेजिंग हो गया, और फिर ये सिक्रीट कर इनको लाइसोसोम्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, उन प्रोटीन्स, उन एंजाइम्स को, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को। तो कहते हैं कि 60+ 100+ भी कई बार कह रहे हैं 100+ एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस लाइसोसोम्स में होते हैं। लाइसोसोम्स तभी वर्क करेगा जब इनका पीएच 5 के आसपास होगा, यानी एसिडिक पीएच पे ये फुल वर्क करते हैं। तो अब इनको एसिडिक बाहर तो साइटोसोल भाई 7 पीएच है, अब अंदर कैसे, लाइसोसोम के अंदर 5 पीएच है, तो इसको एसिडिक मेंटेन करने के लिए इनके सरफेस पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को पंप करते हैं इनसाइड, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हैं, यहाँ पे ये लाइसोसोम है, यहाँ ट्रांसपोर्टर होते हैं किनके लिए, हाइड्रोजन प्लस यानी प्रोटॉन पंप होते हैं, प्रोटॉन पंप को क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अंदर भेजते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ेगा वैसे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एसिडिक पीएच बढ़ता है, तो अंदर एसिडिक पीएच मेंटेन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये लाइसोसोम्स है, अब ये क्या करेंगे, सपोज करो किसी एंडोसाइटोसिस की वजह से कोई बैक्टीरिया आ गया या फॉरेन बॉडीज आ गए, तो उन फॉरेन बॉडी, WBC में क्या होता है, WBC के अंदर भी लाइसोसोम्स होते हैं, तो WBC एक स्यूडोपोडिया जैसा कुछ बनाता है, तो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर गया, अब इनगल्फ कर गया यानी इंडोसाइटोसिस हुई हो, ठीक है, वो बैक्टीरिया अंदर आ गया। अब लाइसोसोम्स का काम क्या है, उन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना, ब्रेक ऑफ करना, और डाइजेस्ट करके जो भी मटेरियल है उसको फिर से साइटोसोल में भेज देना, ठीक है। तो बैक्टीरिया को किल करने का काम है ये लाइसोसोम्स का।
अच्छा, बहुत सारे जो अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इस सेल के अंदर जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं कुछ वर्न आउट हो गए, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो गए, डेड सेल्स हो गए, डेड ऑर्गेनेल्स हो गए, उन ऑर्गेनेल्स को भी ये डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको साइटोसॉल में रिसाइकिल कर देते हैं, रिसाइकिल करने के लिए साइटोसॉल में फिर से रिलीज कर देते हैं। तो एक तरह से जो ये सेल ऑर्गेनेल्स को किल किया, इन्होंने अपने ही सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को डेड किया, किल किया, इसी को कहते हैं ऑटोफेजी। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी। एक फाइगोसाइटोसिस का टर्म है ऑटोफेजी, मतलब अपने ही सेल ऑर्गेनेल्स को इन्होंने किल किया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी। अच्छा, इनकी जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, लाइसोसोम्स के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, वो अगर बाहर सिक्रीट होते हैं, ई सी एफ में सिक्रीट होते हैं, तो दूसरे सेल को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। तो सेल को डाइजेस्ट करना यानी सेल की लाइसिस करना, इसी को कहते हैं ऑटोलाइसिस, यानी अपने सेल को लाइसिस कर रहे हैं, अपने सेल को ही ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोलाइसिस। तो ऑटोलाइसिस मतलब सेल कंप्लीट सेल ब्रेकडाउन, और ऑटोफेजी मतलब सेल ऑर्गेनेल्स को किल करना या डाइजेस्ट करना। ऑटोफेजी और ऑटोलाइसिस कई बार ये टर्म्स एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऑटोलाइसिस ऑटोफेजी याद रखना, सेल ऑर्गेनेल्स को किल करना, डाइजेस्ट करना ऑटोफेजी, अपने कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट करना ऑटोलाइसिस है, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडीज को किल कर रहा है, तो बेनिफिशियल है, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म एक तरह से हो गया लाइसोसोम्स का। तो लाइसोसोम्स का यही वर्क है भी हाइड्रोलिस कर रहे हैं, इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं, पेप्टाइडेज है, इनके पास लाइपेज है, एमाइनेज है, न्यूक्लियेजेस है, बहुत सारे हाइड्रोलेजेस है, फॉस्फेटेजेस है, और तरह से तरह के बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क, सॉरी गॉल्जी बॉडी का वर्क, यानी कि सेक्रीशन हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करना या सेल के बाहर भेज देना, और लाइसोसोम्स का काम है एक तरह से डाइजेशन करना। अच्छा, इनको सुसाइडल बैग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार ये होते हैं अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, अपने ही सेल को किल कर देते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया, सुसाइडल बैग है ये। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। तो आज का क्लास में इतना ही।